आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। राजधानी पटना से सटे बेहटा थाना इलाके में बीते 22 अगस्त को 25 वर्षीय युवक शिवम किशोर की हुई गोली मारकर के हत्या की कहानी का पटना पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया है, जिसमें हत्या में शामिल मृतक युवक के दो दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं इस मामले का उद्बोधन करते हुए बेहटा थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि बीते 22 अगस्त को थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव के खेत में पुलिस ने एक मृतक युवक के शव को बरामद किया था, जहां जांच के क्रम में युवक की गोली मारकर की हत्या की गई थी। जहां पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू की तो मामले में कुछ और ही सामने आया, जहां मृतक युवक शिवम किशोर के 5 दोस्तों ने मिलकर के शिवम की हत्या की थी और जिसमें 2 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान बेहटा थाना क्षेत्र के मोहरमपुर गाँव निवासी सोनू उर्फ रॉकी एवं दिलकुश कुमार के रूप में की गई है। जबकि इस मामले में मुख्य आरोपी किशनपुर गांव निवासी छोटू एवं उसके अन्य 2 साथी सुमित एवं आदित्य अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी में पुलिस टीम लगी हुई है। सर, क्या मामला है, यह हत्या का मामले में क्या किसकी गिरफ्तारी हुई है अब तक? दिनांक 22 तारीख को एक स्कूल के पास एक सुबह सबको बरामद करने पर ये विजय किशोर का लड़का जो मोहरमपुर के हैं उन्हीं का लड़का थे, पोस्टमार्टम कराकर FIR दर्ज की गई थी। अनुसंधान के क्रम में सोनू उर्फ रॉकी एवं दिलखुश को पकड़ा गया, जिन्होंने अपने कॉन्फेशनल यानी स्वीकृति बयान में इन्होंने स्वीकार किया कि ये मर्डर जो है अपने दोस्त छोटे सुमित और आदित्य के साथ मिलकर किए हैं। क्योंकि शिवम भी पहले यही गुट का आदमी था और वो स्नैक के कारोबार करता था। ये सारे लड़के जिनका नाम हमने लिया वो सारे स्नैक का कारोबार करते थे। शिवम के पास एक गुप्त छोटे के गर्लफ्रेंड का वीडियो, नेकेड वीडियो, नग्न अवस्था में था, जिसके वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। ये सबसे परेशान होकर भी छोटे और सुमित ने प्लान बनाकर अपने दोस्तों के सहयोग से शिवम किशोर को हत्या कर दी। किसी से हत्या हुई थी? कुछ गोली से मारा गया था उसको। अभी तक कितने लोग गिरफ्तार? 2 लोग गिरफ्तार की गई है, 3 लोग फिरार चल रहे हैं। हथियार बरामद है इसमें? हथियार बरामद करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी तक छोटे और शिव आदित्य के पास हथियार सोनू द्वारा अपने स्वीकृति बयान में बोले हैं। पटना के बेहटा से ब्यूरो चीफ निशांत सिंह की रिपोर्ट। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।